सो दोस्तों कैसे हो आप सभी, आई होप कि आप अच्छे हो गए। तो दोस्तों मैं वापस कम बैक कर रहा हूँ अपने चैनल पे। तो ये अब से मेरा वीडियोस रहेगा, मेरे चैनल का मेरा नाम चेंज कर दिया हूँ। तो अब से मैं गेमिंग्स के वीडियो बनाऊँगा और भी जो मेरे को कंटेंट मिलेगा तो मैं वो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। ये वीडियो है क्लैश रॉयल। तो भाई ये गेम में ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा मेरे को विच छोड़ता है और मैं उसके बाद मेगा नाइट छोड़ता हूँ, और फिर वो जब पीछे जैसे मैं मेगा नाइट छोड़ता हूँ तो वैसे पीछे वो मिनियन हॉर्डे डाल देता है, फिर इसको क्लोन करता है, वैसे मैं एरो फेंक देता हूँ। चलिए पूरा वीडियो देखते हैं। यहाँ पे ऐसा रहता है कि मैं लेजेंडरी एरिना पे रहता हूँ और ये होता है भाई गेम स्टार्ट। और जब गेम स्टार्ट होता है तो मैं उस पर सबसे पहले डालता हूँ नाइट विच और वो डालता है मिनियन हॉर्ड, और जैसे ही उसको क्लोन करता है मैं फायरबॉल डाल देता हूँ और वो उसको बूस्ट करने की कोशिश करता रहता है, बट उसके साथ ऐसा हो नहीं पाता, उसकी ट्रिक नाकाम हो जाती है। यहाँ पे नाइट विच जाती है आगे अपने बैट्स को लेके और वैसे ही वो वॉल कैरी डालता है, वॉल कैरी को बैट्स लोग ख़त्म कर देते हैं और मेरे को उसको कुछ भी करना नहीं पड़ता। अब मैं सोचता रहता हूँ कि मेगा नाइट डालूँ, बट फिर मेरे को बाद में ध्यान रहता है नहीं इसको बाद में यूज़ करने को, फिर मैं सोचता हूँ कि ड्रैगन डालूँ। मैं एक्चुअल में ड्रैगन डालता हूँ, बेबी ड्रैगन, तो वो जाता है अपना धीरे धीरे बच्चे लोग की तरह। तो फिर मैं डाल देता हूँ गॉब्लिन बैरल, वो वहाँ पर अपना डैमेज करते रहता है और जब तक बेबी ड्रैगन वहाँ पहुँच जाता है और फिर वो भी डैमेज करने लगता है, फिर वो उसके पीछे डालता है नाइट विच और नाइट विच बेबी ड्रैगन को ख़त्म कर देती है। अफसोस बट होते रहता है ऐसा। और अब मैं डालता हूँ मेगा नाइट, और यही सीन में आपसे मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, और जैसे ही वो मेगा नाइट डालता हूँ वो मिनियन हॉर्ड डालता है, फिर उसको क्लोन करता है और वैसे मैं उसको एरो डाल देता हूँ, तो वो चीज़ मतलब भाई ख़त्म हो जाती है और ये हमारा मेगा नाइट कूद के मतलब जो डैमेज करते हैं ना, डैमेज एकदम अलग रहता है, अलग ही लेवल का रहता है। फिर मैं उसके पीछे मिनी पैका छोड़ देता हूँ, और जब भाई मिनी पैका एक बार अंदर घुस जाए तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, मतलब रोकना नहीं उसका डैमेज को रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। वो डैमेज जो ऐसा देता है ना, मतलब अभी क्या बोलने का, लेवल 10 का जो मिनी पैका रहता है ना वो भाई साहब मतलब ख़त्म ही कर देगा, चार हाथ मारेगा प्रिंस टावर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे मैंने उसका प्रिंस टावर ले लिया हूँ, वो वापस मिनियन हॉर्ड डालता है और मैं वापस मेरे को कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसके मिनियन हॉर्ड पर कम रहते हैं, और वैसे ही मैं मिनियन डाल देता हूँ, अपने मिनियन हॉर्ड डाल देता हूँ। अब मेरा ध्यान जाता है उसके दूसरे वाले प्रिंस टावर पे, तो मैं उसके ऊपर बढ़ जाता हूँ प्रिंस टावर पे दूसरे वाले को ख़त्म करने के लिए, और वैसे ख़त्म तो हो नहीं पाता है लेकिन मैं मैच जीत जाता हूँ। जो मेरे को मेगा नाइट है ना मेरे को बहुत पसंद है, मतलब क्या ही बताऊँ मेगा नाइट के बारे में। अगर मैं आपको अपनी डेक का भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ अभी, तो दोस्तों ये रहा मेरे डेक का स्क्रीनशॉट, और अगर आप चाहें तो मेरी डेक को आप कॉपी कर सकते हैं और आप मेरी क्लैन में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर वो उसका वॉल कैरी अंदर पहुँच जाती है और मैं उसको फायरबॉल डाल देता हूँ, और वो मतलब भाई बहुत ट्रिक्स यूज़ करता है वो बंदा सामने वाला, लेकिन उसकी ट्रिक हमेशा नाकाम हो जाती है, वो दिमाग से नहीं खेलता वो ट्रिक से खेल रहा है, लेकिन जो भाई देखो ट्रिक से जो खेलता है ना कभी भी जीत नहीं पाता, और यहाँ पर मैंने मैच जीत गया। तो अभी देखते हैं इसमें हमें मिल गया है गोल्ड सिल्वर चेस्ट, और अभी नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। सो भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ लेजेंडरी एरिना पे, और सामने वाला बंदा आता है लेवल 10 का, तो वो उसके पास रॉयल पास रहता है बट उसका रॉयल पास ख़त्म हो गया रहता है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ बेबी ड्रैगन और वो डालता है ना विच, तो उसके पीछे वो डाल देता है बेबी ड्रैगन के सामने वो डाल देता है मैजिक आर्चर, लेकिन भाई मैजिक आर्चर हमारे बेबी ड्रैगन को ख़त्म कर देता है, इसलिए हमें बहुत गुस्सा आती है। लेकिन जो मैजिक आर्चर रहता है उसकी हेल्थ बहुत कम हो गई रहती है, तो वो दो एरो में ख़त्म हो जाता है, और भाई साहब हमारे डाल देते हैं वहाँ पे पैका, फिर हम उसके पीछे डाल देते हैं स्केलेटन आर्मी, हम उसको डालते हैं एरो और मिनियन हॉर्ड से पैका ख़त्म हो जाता है, वो डाल देते हैं हमारे पास एरो, तो हम भी मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, हम भी डाले गॉब्लिन बैरल। अब जब मैंने गॉब्लिन बैरल डाला तो उसने डाल दिया प्रिंसेस, तो प्रिंसेस डैमेज करती है बहुत अच्छा, लेकिन जो मेरा डैमेज था वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसीलिए
प्रिंसेस को मेरे को जल्दी ख़त्म करना था ताकि वो मेरा डैमेज ना कर दें, तो वही मैंने वहाँ पर डाल दिया नाइट विच। और नाइट विच अपने बैट्स के साथ आगे बढ़ती रही और यहाँ पे उसने डाल दिया रॉयल हॉग्स। अब मैं रॉयल हॉग्स के ऊपर मेगा नाइट डाला लेकिन बहुत लेट हो गया था, तब तक वहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज हो गया था और 19-1 डैमेज हो गया था। और वो यहाँ पे डालता है ये चीज़ और मैं डाल देता हूँ मिनी पैका। मिनी पैका उसको कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। और हमारे मेगा नाइट उधर डैमेज करते रहते हैं, वहाँ पे स्केलेटन आर्मी पड़ जाती है और यहाँ पे हमारे मिनी पैका जो है एक प्रिंस टावर ले लेते हैं और वो मैजिक आर्चर को ठंग करके मार के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन किंग टावर से मार देते हैं, नहीं तो किंग टावर को भी डैमेज देता। और यहाँ पे डालता हुआ भी मेरी नज़र जाती है दूसरे प्रिंस टावर पे और मैं वहाँ पे डालता हूँ बेबी ड्रैगन। फिर सामने डालता हूँ विच, मैं डाल देता हूँ फायर बॉल और उसकी विच की वाट लग जाती है, मतलब हेल्थ की उसकी वाट लग जाती है। हेल्थ से याद आया आप पबजी के भी वीडियो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे देखने मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी आप ये देखिए क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है, मतलब क्लैश रॉयल भी एक अच्छा ही गेम है, लोग खेलते हैं अच्छे अच्छे। हमारे टेक बर्नर साहब लोक श्रीवास्तव भी क्लैश रॉयल खेलते हैं एज आई थिंक सो, क्योंकि उनके फ़ोन में है और आई थिंक वो खेलते होंगे क्योंकि बिकॉज वो सबसे पहले फ़ोन में वही इंस्टॉल करते हैं, बिकॉज मेरे को टेक बर्नर बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं उसका दूसरा भी प्रिंस टावर ले लेता हूँ, वो सामने डालता है मिनी पैका और डाल देता है अपना प्रिंसेस, लेकिन मैं एरो डाल के मिनी पैका को ख़त्म कर देता हूँ मेन एंड हॉर्स से। उसके बाद मेन एंड हॉर्स को मारने के लिए कुछ नहीं होता और होता भी है तो एरो, लेकिन यहाँ पे मिनी पैका हमारे पैका हमारे डैमेज दे देता है 1000 हमारा डैमेज हो गया रहता है। और सामने अब मैं उसका किंग टावर पे हमला करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार भाई मैच ख़त्म हो जाती है, उसका किंग टावर वैसी का वैसी रह जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट करो। अगर आप मेरे चैनल का नाम नहीं जानते तो मेरे चैनल का नाम है ट्रोवल गेमिंग, आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं।